नमस्कार दोस्तों, मैं विराट सर सुपर वर्ल्ड क्लासेस में आपका अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। मित्रों, मैं बात करने के लिए आया हूं उस व्यक्ति के बारे में जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए तो ढेर सारा संघर्ष किया, विदेशों में जाकर के अंग्रेजी कंपनी के हुकूमत को खोखला किया, हिटलर से मिला, कई लोगों से जापान से सहायता मांगा और भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए प्रयास किया। लेकिन आज भारत के इतिहास के पन्ने में उस व्यक्ति का नाम जो है एक गुपनामी बाबा के रूप में रह गया, तो उस व्यक्ति का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो मैं आज बात करूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि नेताजी कैसे थे, नेताजी का जन्म कहाँ हुआ, नेताजी ने भारत के लिए क्या क्या किया, नेताजी ने ऑपरेशन यू चलाया था वो कैसा ऑपरेशन था, और नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था वो कैसा गठन था, वह क्या कर रहे थे। तो सारी बातें आज हम करने के लिए आए हैं नेताजी के बारे में। तो धीरे धीरे नेताजी के जीवन काल के बारे में पढ़ने के लिए हम आए हैं। जरा समझिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम बात करने आए हैं। क्या नाम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम बात करने के लिए आए हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम बात कर रहे हैं और कैसे कैसे बात करेंगे, तो ध्यान देंगे कि भारत का एक राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा, और उड़ीसा का एक शहर है जिसका नाम है, शहर मतलब गांव है, जिसका नाम है कटक। तो भारत का राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा का एक गांव है कटक, और कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो उड़ीसा के कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, और नेताजी के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस और माता का नाम था प्रभावती। नेताजी बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई में इनका मन लगता था। इनके पिता जानकी नाथ बोस फर्स्ट क्लास का बैरिस्टर थे, वकील थे, नंबर एक के वकील थे। तो पिता का सपना था कि मेरा बेटा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ये पढ़ने लिखने में काफी अच्छा है। तो इनके पिता का बचपन से सपना था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस का एग्जाम दे, कलेक्टर बने। तो इनके पिता का सपना था कलेक्टर बनने का, और नेताजी जो है काफी अच्छे से पढ़ाई लिखाई किए और बीए किए। बीए इन्होंने कलकत्ता कॉलेज से किया था, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से किया था। 1919 में इन्होंने दर्शन शास्त्र, जिसे इंग्लिश में फिलॉसफी बोलते हैं, दर्शन शास्त्र से नेताजी ने जो है बीए पास किया था। नेताजी दर्शन शास्त्र से बीए पास करने के बाद इनसे पूछा गया कि अपने जीवन में आप क्या करेंगे, तो नेताजी के सामने एक बहुत गजब का घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 का। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक जल्लाद जनरल डायर के आदेश पर कहा जाता है कि 200 से ऊपर लोगों की हत्या कर दी गई थी, गोलियों का बौछार कर दिया गया था, निहत्थी भीड़ पर गोली चलाया गया था, इतने अत्याचारी अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों के अत्याचार को देख करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मन बना लिया कि हमें कलेक्टर नहीं बनना है, हमें किसी प्रकार का किसी भी गवर्नमेंट के पद पर नहीं जाना है, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना है, जब तक अंग्रेजों को देश से भगा नहीं देंगे तब तक हम कुछ भी शांति से नहीं रहेंगे। तो नेताजी का सपना था, लेकिन इनके पिताजी बार बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोसा करते थे कि लग रहा है कि तुम आईसीएस का एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, इसीलिए तुम जो है आईसीएस का एग्जाम निकालने से घबरा रहे हो, और हमें जो है इधर उधर की बातें बता करके जो है आईसीएस नहीं देना चाहते हो। कहा जाता है कि आईसीएस की तैयारी करने के लिए जो है लोग जाते थे ब्रिटेन, लंदन जाते थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि पिता के शक को दूर किया जाए, पिता का जो सपना है उसको पूरा किया जाए। तो 1919 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस लंदन जाते हैं। याद रखिएगा कि 1919 में ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां जाते हैं? लंदन जाते हैं। और लंदन में जाते ही इन्होंने, ध्यान देंगे कि आईसीएस का एग्जाम टॉप करने वाले अंग्रेज होते थे, आईसीएस का एग्जाम इतना कठिन एग्जाम होता था कि उस समय अंग्रेज 4-4 साल तक आईसीएस के एग्जाम की तैयारी किया करते थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मात्र 7 महीने में आईसीएस के एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया।
और 7 महीने में आईसीएस के एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले नेताजी पूरे जो रैंक बनी थी वो 4th रैंक लेकर के आए थे। तो आईसीएस के एग्जाम में जो रैंक बनी थी वो चौथी रैंक बनी थी और 4th रैंक जो है लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे। लेकिन सबसे शानदार बात यह है कि सभी जो है जब इन्होंने फॉर्म भर दिया था, पेपर भी दे दिया था, तो पेपर देने के बाद जब ये आईसीएस निकाल लिए थे तो ये लोग मतलब कि आईसीएस का रिजल्ट आने से पहले ढेर सारे लोगों का रिजल्ट निकल गया था तो उसमें इनका नाम नहीं था। तो इन्होंने जाकर के पूछा कि भाई जो है मेरा नाम नहीं है, लग रहा है मैं नहीं निकाल पाया हूं क्या? तो लोगों ने, वहां के अधिकारियों ने कहा कि अभी तो उन लोगों का लगा हुआ है जो लोग जो है अभी मतलब कि निचले श्रेणी में है, जो मतलब टॉप क्लास के लोग हैं उनकी सूची अभी नहीं लगी है। तो टॉप क्लास में 4th रैंक था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में एक चिंता सताने लगा कि आईसीएस का एग्जाम तो निकल गया लेकिन मैं अंग्रेजों का गुलामी नहीं करूंगा, मैं किसी भी प्रकार का ये सब काम नहीं करूंगा। उस समय जो कलेक्टर होता था, बेटा जरा समझिएगा कि कलेक्टर जो होता था उस समय जो है जिले का पैसा उठा करके जो है अंग्रेजों को दिया करता था, भारत को लूटने काम कलेक्टर का पद होता था, भारत को लूटने काम करते थे उस समय कलेक्टर जो होते थे उस समय भारत को कलेक्टर जो होते थे उस समय भारत को लूटने का काम करते थे। इसलिए आईसीएस का एग्जाम तो उन्होंने क्वालिफाई किया और अपने पिता को भी बताया कि हमने जो है आईसीएस का एग्जाम निकाल लिया है। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस के एग्जाम में 4th रैंक पाए थे और या किस सन में आईसीएस का एग्जाम निकाल लिए थे, तो 1920 में इन्होंने आईसीएस का एग्जाम निकाल लिया। नेताजी कलेक्टर नहीं बनना चाहते थे, इनके पिता का सपना था, लेकिन नेताजी ने कहीं पर भी कुछ भी नहीं किया। मतलब जो होता है कि हमको कहीं पोस्टिंग होना चाहिए तो किसी प्रकार की किसी पोस्टिंग में नेताजी नहीं गए और ध्यान देंगे त्यागपत्र लिखा कलेक्टर के पद से। तो कलेक्टर के पद से नेताजी ने जब त्यागपत्र लिखा तो त्यागपत्र किसको दिया? तो उस समय के जो कलेक्टर होते थे, जैसे भारत के आप विद्यार्थी हैं तो भारत सचिव को जो है पत्र लिखेंगे त्यागपत्र। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत जो सचिव होता था उसी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र लिखा था और उस सचिव का नाम था मॉन्टेग्यू। तो मॉन्टेग्यू सचिव को इन्होंने पत्र लिखा के त्यागपत्र लिखा कि मैं आईसीएस का एग्जाम तो उन्होंने निकाल दिया है लेकिन मैं नौकरी नहीं करूंगा। और अपने इनके भाई बड़ा इनके समर्थन में रहते थे, उनका नाम था शरद चंद्र बोस। उनका क्या नाम था? इनके भाई का नाम था शरद चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस के एग्जाम से जो है त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने अपने भाई को पत्र लिखा कि मैं भारत आ रहा हूं और पिताजी को समझा बुझा लीजिए। तो इनके भाई ने जो है अपने पिताजी को बता दिया कि उसने तो एग्जाम निकाल लिया है लेकिन वह नौकरी नहीं करना चाहता है। तो नौकरी नहीं करना चाहता है तो इसके चक्कर में क्या हुआ बेटा कि शरद चंद्र बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बड़ी ही सहायता किया था कि ठीक है तुम्हारे दिमाग में जो आएगा वो करो। ठीक है, अब कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से पहले भी ढेर भारतीयों ने आईसीएस का एग्जाम निकाला लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर यह क्षमता नहीं थी कि आईसीएस के एग्जाम से त्यागपत्र दे दे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सलाम है कि बंदा जो है आईसीएस का एग्जाम निकालने के बाद नौकरी करने नहीं गया, त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने के बाद जब ये भारत आते हैं तो भारत आने का जो इनका समय है वह समय है 1921 और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1921 में कहां आते हैं? भारत आते हैं। चीजों को समझिएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1921 में भारत आते हैं और भारत में एक 1921 में आंदोलन चल रहा होता है महात्मा गांधी का, जिस आंदोलन का नाम है जरा समझिएगा असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन में हल्ला मचाया गया था कि हमें 1 साल के अंदर आजादी चाहिए, हमें अंग्रेज आजादी देंगे 1 साल के अंदर।
लेकिन असहयोग आंदोलन में अपने उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है गोरखपुर जिला, और गोरखपुर जिला से असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए भगवान अहिर जो है अपने लोगों को लेकर के चल देते हैं, लेकिन गोरखपुर के एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा, वहां पे चौकी थी, वहां के पुलिस वालों ने भगवान अहिर को रोकने का प्रयास किया कि असहयोग आंदोलन में आप नहीं जा सकते। इसके चक्कर में पुलिस वालों ने असहयोग आंदोलन के जो मतलब कि लोग जा रहे थे हिस्सा लेने उस पर गोली चलाए, और भगवान अहिर ने कहा कि अब जो है यहीं पर इनको जवाब दिया जाए। तो सारी की सारी भीड़ जो है 22 अंग्रेजों को पुलिस कर्मियों को चौरी चौरा नामक चौकी में आग लगा करके फूंक डाले, और यह घटना है 5 फरवरी 1922 की, घटना है 5 फरवरी 1922 की। तो 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटी जिस घटना का नाम था चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड। तो एक घटना था जिसका नाम था चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड होने से अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कहा कि यह घटना आपके लोगों ने किया है, यह घटना आपने करवाया है, इसलिए महात्मा गांधी ने कहा अगर यह घटना हमने करवाया है तो हमने असहयोग आंदोलन को हम वापस ले रहे हैं। और महात्मा गांधी जो है जब असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं तो भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग महात्मा गांधी से नाराज हो जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब देश की जनता आजादी के चरम सीमा पे थी तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ला करके राष्ट्र संकट पैदा कर दिया है, और उसी दिन से जो है महात्मा गांधी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाराज हो जाते हैं। लेकिन नेताजी के नाराजगी से गांधी का कुछ वाला नहीं था, गांधी उस समय बड़े बड़े लेवल के नेता थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी हाल ही में जो है नए राजनीति में आए हैं, और 1921 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस ज्वाइन किया था। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को ज्वाइन कब किए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में ही कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। कहा जाता है कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद जो है समझेंगे बेटा 1921 में ज्वाइन किए, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिए। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस का चौथी रैंक पास करने के बाद किस व्यक्ति को अपना त्याग पत्र दिए थे, तो उसका सचिव का नाम था मॉन्टेग्यू। अगला क्वेश्चन पूछेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भारत आते हैं वह डेट क्या था 1921, नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के आजादी में वो कौन सा आंदोलन था जिसमें इन्होंने अपना पहला कदम आंदोलन में रखा था, उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। अगला क्वेश्चन आएगा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस क्यों लिया, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वापस लेते हैं 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में भगवान अहिर जो है अपने कुछ नेताओं का अपने कुछ लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, और वहां पे अंग्रेजों ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने से मना कर देते हैं। जब समझेंगे कि शामिल नहीं होने देंगे, इसके चक्कर में 22 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को भगवान अहिर के नेतृत्व में पूरे घटना को जो है अंजाम दिया जाता है, और 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं। इसी बात को लेकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। यहां तक क्लियर है, यहां तक शानदार है। इसके आगे की बात करने जा रहे हैं, और इसी घटना को असहयोग आंदोलन को वापस लेने थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से नाराज हुए, और महात्मा गांधी जब नाराज हुए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना एक राजनीतिक गुरु भी बना लिए। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक जो गुरु थे उनका नाम था देश बंधु चित्तरंजन दास। तो उनका नाम था देश बंधु चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। तो देश बंधु चित्तरंजन दास जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, और 1923 में एक इलाहाबाद में पार्टी का गठन हुआ, मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास दोनों मिलकर के एक दल बनाए जिस दल का नाम था स्वराज दल, स्वराज पार्टी। यह पार्टी का स्थापना इसलिए होता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी हो गई थी कि महात्मा गांधी के बातों को मानती थी,
और महात्मा गांधी ने अभी हाल ही में असहयोग आंदोलन को वापस लिया है। और ढेर सारे ऐसे क्रांतिकारी नेता जो महात्मा गांधी को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कहा गया कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजों के किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, बाहर बाहर अंग्रेजों का विरोध करेंगे। लेकिन चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सबका एक सपना था। सपना यह था कि नहीं, हम चुनाव में हिस्सा लेंगे, अंग्रेजों के काउंसिल में बैठ करके अंग्रेजों के नियम कानून का विरोध करेंगे। तो अंग्रेजों के काउंसिल में बैठ करके अंग्रेजों के नियम कानून का विरोध करेंगे, ये सारी की सारी बातें जो है करने के चक्कर में इलाहाबाद में एक पार्टी बनती है जिस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था वह हुआ था 1923 में। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और स्वराज पार्टी जो है 1923 में गजब का चुनाव हुआ। और उस चुनाव में स्वराज पार्टी जब जीत जाती है तो कहा जाता है कि चित्तरंजन दास कलकत्ता से मेयर बनते हैं और उनका जो है सचिव मतलब सीईओ नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनाए जाते हैं। तो मित्रों आज मैं इतना ही बात करूंगा, अगला जो है अगले पार्ट में बात करूंगा। तो नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।